ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्चुअल रहे थे जो, वो है पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि पीएन जंक्शन को हमने कैसे क्रिएट किया था। तो हमने एक एन टाइप का मटेरियल, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया था जिसको उन्होंने डोपेंट बोला, डोपेंट, और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को साइड बाई साइड रख के डिफ्यूज किया एक दूसरे में। तो एक पीयर, एक जो है जंक्शन क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, क्योंकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के फ्री होल्स के साथ कोलाइड कर गए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, तो उससे हुआ ये, उससे ये हुआ कि एक जंक्शन क्रिएट हुआ जिसपे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, इस पूरे सेटअप को हमने क्या बोला, एक डायोड का नाम दिया। तो एक डायोड हमारा कैसे बना, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक पी टाइप का मटेरियल कैसे बनाया गया, एक एन टाइप का मटेरियल कैसे बनाया गया। तो जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था, उस पे हमने क्या किया, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को जो है डोप किया, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ जो मैं अभी तक बता चुकी हूँ। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो सिलिकॉन के एटम्स के साथ कंबाइन कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। ठीक है, ऐसे ही जब हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास SI यानी सिलिकॉन था, और यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो इन डोप की। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे इन्होंने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन लिया हुआ है, तो बोरॉन में के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्डिंग बना ली, एक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट एक जो है SI एटम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसमें, 4 की रिक्वायरमेंट है ताकि स्टेबल सिस्टम बन सके, बट इसमें 3 ही होते हैं, तो एक जो है SI बॉन्ड सिंगल रह गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस टाइप का मटेरियल हम लोगों ने क्रिएट किया था। और इसके बाद हम लोगों ने पीएन जंक्शन, जब हमने डिफ्यूज किया तो पीएन जंक्शन बना, और जंक्शन उसी को, उस सेटअप को हमने क्या बोल दिया, डायोड। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो ये डायोड हमने बनाया है, इस डायोड, ये जो डायोड है वो किस कितने रीजंस में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये डायोड है एक्चुअली 3 रीजंस में ऑपरेट करता है, मैंने ये बता दिया था लास्ट क्लास में, मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ जस्ट फॉर द रिविजन। मैं इस चीज को जो लोग नहीं होंगे उनको दोबारा से आप रिकॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो पीएन जंक्शन है जिसको हमने डायोड बोला, वो 3 ऑपरेटिंग रीजन में काम करता है। पहला होता है पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये रीजन जिसमें कि कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई हमने अप्लाई नहीं करी। ठीक है, इस ऑपरेटिंग रीजन में एक्चुअली डिप्लीशन रीजन, या कह दो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई, और उसके अक्रॉस बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट हुई। ये सेल्फ क्रिएट हुआ क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स एक दूसरे की तरफ मूव हुए और रिकम्बाइन हुए। ठीक है, नेक्स्ट इससे बताया कि जब हमने अभी तो ये वो सिचुएशन थी जब हमने कोई एक्सटर्नल बाइस यूज नहीं करी थी। अब हमने एक्सटर्नल बाइसिंग यूज करी। ठीक है, तो उसमें हमने 2 तरीके से बाइसिंग को यूज किया, बैटरी को जो कनेक्ट किया वो हमने 2 तरीके से लगाया। मैंने बताया कि जो हमारा एक तो नॉन बायसिंग कंडीशन हो गई जिसको हमने एन बायस कंडीशन बोला, और एक हमने क्या किया बाद में उसमें एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई की, और उस बैटरी को जो अप्लाई किया वो 2 तरीके से अप्लाई किया। एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट करी कि जो पॉजिटिव साइड है जिसको हम लोगों ने एनोड बोला, यानी पी जंक्शन को, पी टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एन जंक्शन मतलब नेगेटिव जंक्शन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अगर किसी भी बैटरी को किसी पीएन जंक्शन के थ्रू या किसी डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करें कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, इस तरीके का कनेक्शन अगर सेटअप क्रिएट किया तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड की डिवाइस इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसको जस्ट रिवर्स प्रोसेस में कर दें, जैसे कि जो हमारी अभी तक क्या था कि जो पी टाइप यानी पॉजिटिव रीजन था उसको हमने पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया था, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से किया था, अभी हम क्या करते हैं कि पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और पॉजिटिव रीजन को
नेगेटिव रीजन को पॉजिटिव रीजन से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव रीजन को नेगेटिव रीजन से कनेक्ट कर दिया, तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉरवर्ड बायस कंडीशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर हमें डायोड के ऑपरेशन को समझना है तो हमें ये तीन रीजंस के बारे में समझना, हमें इन तीन रीजंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने अनबायस कंडीशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी बोलते हैं, इसको हमने बता दिया। इसके बाद हमने फॉरवर्ड रीजन के बारे में भी बताया था। ये जो स्लाइड है ये आपको शो कर रही है कि जो जो जंक्शन के बीच में करंट का फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन कैसे, करंट का फ्लो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एक पोर्शन से दूसरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल थे वो अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे चले गए। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इसका मतलब होता है करंट का कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से जो करंट फ्लो होती है ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है अनबायस कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से यानी जब हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई नहीं करी थी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एन रीजन से निकले और पी रीजन की तरफ चले गए और होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए। इस तरीके से जो करंट फ्लो हुई, इस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज इन्फॉर्म कर दी थी। तो ये जो स्लाइड है वो यही बता रही है कि जो करंट का फ्लो है जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो एन टाइप का मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर होता है होल। ऐसे ही पी टाइप का मेजॉरिटी कैरियर होता है होल और माइनॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही चीज शो कर रहे हैं। तो जो एन टाइप, जो ये स्लाइड शो कर रही है, जो डायग्राम है वो बता रहा है कि जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो, वो मेजॉरिटी है तो वो फ्लो हो रहा है पी साइड की तरफ। ठीक है, और जो पी साइड का होल है वो फ्लो हो रहा है एन साइड की तरफ, इसलिए इन्होंने इस तरीके से क्रॉस में जो है कनेक्ट किया। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस दे रखे हैं, ठीक है, जो नोटिफिकेशंस या नोटेशंस जो बता रखे हैं वो नोटेशंस जो है वो क्या बता रहा है, एन लिखा है, नोटेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड, पी एन इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन एन साइड, पी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन ऑन पी साइड, और पी एन पी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कितना जो है इंटेंसिटी कितनी है हमारे इलेक्ट्रॉन या होल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल है। ठीक है, जो हमारे जंक्शंस हैं यानी दोनों साइड जंक्शन की जो है उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अदर के कंपैरिजन में बहुत एक्सेस में होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक्सेस में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए इस हमारे पास जो टेंडेंसी होती है जहां पे हाई होता है उस हाई रीजन से लो रीजन में फ्लो करने की होती है। ठीक है, हाई रीजन से लो रीजन में किसी भी चीज को फ्लो करने की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा पानी है, अगर ऊपर की साइड पानी है तो उसको नीचे आने में मतलब, और नीचे की साइड पानी नहीं है मतलब एक अप रीजन है डाउन रीजन है, तो पानी अगर अप रीजन से है तो ऑटोमेटिकली नीचे डाउन रीजन पे आ जाएगा। लेकिन अगर डाउन रीजन पे पानी है और अप रीजन पे पानी नहीं है तो अगर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना है तो वो अपने आप नहीं आ पाएगा, उसके लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी। तो जिस जो जो करंट या जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाते हैं तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने ये सब चीजें देखी आपको लास्ट क्लास में बता दी है, ये सारी चीजें जो है आपकी रिवीजन चल रहा है, इसके बाद मैं शुरू करूंगी कि क्या बताना है। ये मैं लास्ट क्लास तक ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन या जस्ट फॉर द रिवीजन मैं इस चीज को दोबारा से आपको बता रही हूँ, जो लोग नहीं थे वो लोग जो है दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन हमारा क्रिएट हुआ, मैंने बताया कैसे क्रिएट हुआ, उसी को डायग्राम से बताया गया है कि एन रीजन में हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनस के बेसिस पे दिखाया गया है
और पी रीजन पे हमारे पास होल्स होते हैं क्योंकि उस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको प्लस से दिखाया गया। तो ये जो माइनस और प्लस दिखाया गया है, दीज आर द थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड थ्री होल्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी जो बगल वाला सेकंड सेकंड डायग्राम आपको जो दिख रहा है, उसमें क्या था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री होल्स एट टी इज इक्वल टू टी वन पे मूव किए, तो उनके साथ उनके आयंस भी मूव किए, क्योंकि हमारा जो डिवाइस या सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ उसके जो आयन अटैच होगा ड्यू टू न्यूट्रलिटी वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आयन साइड पे जब ये मूव कर गए तो उसके साथ साथ आयन्स भी मूव कर गए, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर गए, वहां स्टेबल हो गए, बट आयन्स उस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो वो एक जगह क्रिएट करते थे, उसी से हमारा क्या था डिफ्यूजन रीजन क्रिएट हो जाता था। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कलेक्ट हो जाते थे, तो उसके बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हैं तो वो भी मूव नहीं कर सकते दूसरे रीजन पे। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू टी वन पे ये कंडीशन रही। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब डिपेंड करता है कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आयन्स और फ्री होल के आयन्स की वजह से। ठीक है, उस जब ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल हो इस डिप्लीशन रीजन को मूव तोड़ नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। तो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन अ रीजन ऑफ फिक्स्ड आयन इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज नोन एज डिप्लीशन। ठीक है, अब डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। अब डिप्लीशन रीजन के बाद अब हमने क्या किया, ये तो कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन, या ये कंडीशन हो गई अनबायस्ड स्टेट कंडीशन। मैंने उसके बाद बताया कि अगर हम इसमें एक्सटर्नल सप्लाई की भाई हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है तभी उसमें करंट फ्लो हो पाएगी। आपको ये पता होना चाहिए जो हम डायोड बनाते हैं ये जो चीजें हैं ये क्या यूज कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है एज अ स्विच, एज अ स्विच यूज होती है। तो अगर स्विच को ऑन ऑफ करना है, जब ऑन करते हो तो करंट फ्लो होती है, ऑफ करते हो तो करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि जो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी जिसको हमने डिफ्यूजन करंट कहा, वो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से फ्लो हो रही थी। अभी क्या है कि क्योंकि बैरियर पोटेंशियल या कह सकते हो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव नहीं कर पाए। तो हमें इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी। तो वो कैसे, दो तरीके से अप्लाई करी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एक रिवर्स बायस कंडीशन। मैंने बताया फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये होता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके का जो सेटअप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडीशन। और अगर हम इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब कि अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव यानी एन रीजन को कनेक्ट करते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी रीजन को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके का सेटअप को हम रिवर्स बायस कंडीशन। ये दोनों बायस कंडीशन ही हैं, दोनों के केस में करंट का फ्लो होगा नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे कि वर्किंग कैसे करती है, बट ये दोनों बायस कंडीशन और दोनों कंडीशन में क्या बिहेवियर रहता है आपके डायोड का वो मैं बता। ठीक है भाई, तो ये अब जब हमने बैटरी एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई कर दी तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है यानी ड्यू टू एक्सटर्नल सप्लाई करंट विल फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वो बैरियर पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, या तो रिड्यूस होगा या फिर एक्सट्रैक्ट होगा। तो अगर इस तरीके से होगा तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। दोनों करंट अपने में इंपॉर्टेंट है। जो टोटल करंट फ्लो होती है किसी भी डायोड में या किसी भी डिवाइस में, ठीक है, वो टोटल करंट बराबर होती है ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट, दोनों करंट के बराबर होती है, दोनों करंट के सम के बराबर होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बायस कंडीशन की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही होगी आप लोग। तो बायस कंडीशन में क्या होता है, बायस कंडीशन में जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एन और पी रीजन दिख रहे हैं, एन रीजन की तरफ आपके पॉजिटिव आयन शो हो रहे हैं और पी रीजन की तरफ आपके नेगेटिव आयन शो हो रहे हैं। ठीक है, N की साइड पे लिखा हुआ है ND, that is the donor, D का मतलब यहाँ पे डोनर है, और P की तरफ लिखा हुआ है NA, that is acceptor, क्योंकि N की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और P की तरफ हो जाते मर्ज हो जाते कंबाइन, तो P उसको एक्सेप्ट करता है इसलिए उसको एक्सेप्टर का नाम दिया गया है, और N क्योंकि देता है तो इसका नाम डोनर दिया गया। और जो आपको ये नीचे कुछ आपको जो ग्राफ टाइप का दिख रहा है तो वो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस बी से
एक की तरफ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है. ठीक है, फिक्स्ड आयंस इन अ डिप्लीशन रीजन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिजल्ट इन अ ड्रिफ्ट करंट. मतलब एक डिप्लीशन रीजन में के फिक्स्ड आयन में, मतलब डिप्लीशन रीजन में जो फिक्स्ड आयन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से, उसकी रिजल्ट की वजह से हमारा जो है ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट. तो ये कंडीशन हमारी थी. ये आप ठीक है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है और डिफ्यूजन करंट क्या होती है बताया. अब आगे बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें लिखा हुआ है करंट फ्लो अक्रॉस अ जंक्शन के अक्रॉस करंट किस तरीके से फ्लो होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब होता ये है कि जो भी ड्रिफ्ट करंट पी रीजन में जितनी फ्लो हो रही है वो बराबर होगी डिफ्यूजन करंट पी रीजन में. सेम रीजन में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट अगर इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. यही चीज आपकी एंड रीजन के साइड भी है. एंड रीजन में, एंड में जितनी ड्रिफ्ट करंट है जितनी डिफ्यूजन करंट है जब वो बराबर होती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं. लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम द ड्रिफ्ट करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन cancel out the diffusion current flowing in opposite. ठीक है, तो cancel करते हैं मतलब opposite direction में flow कर रहे हैं, तो जो net current होती है वो actually जो create हो रही है that is zero. ठीक है, यही चीज बताता है equilibrium condition. बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है. ठीक है, अब हम आते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल की बात करते हैं. देखिए बिल्ट इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा जो पोटेंशियल रीजन या ये कह सकते हो कि जो भी हमारा ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई है क्योंकि वो आयंस के थ्रू क्रिएट हुई है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा क्योंकि आयंस पे अपना चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल. ठीक है, वो क्या होता है कैसे निकालते हैं, वही इक्वेशंस लिखी हुई है कि जो भाई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन देयर एग्जिस्ट अ बिल्ट इन पोटेंशियल. ठीक है, ये कैसे ड्राइव किया गया है ये इसमें बताया गया है कि देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर की बात करें जो इसके अक्रॉस बिल्ट इन पोटेंशियल के अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मैंने अभी आपको बताया जो करंट है वो दोनों करंट आपस में कैंसिल आउट होती है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो उसको शो करने के लिए आपको जो है हॉल इफेक्ट के बारे में पता होगा. चलिए मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी कि कैसे ये चीज आई. पहले मैं बात जिक्र कर लेती हूँ रिवर्स बायस कंडीशन का. देखिए मैंने फॉरवर्ड बायस कंडीशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास तक इन्फॉर्म कर दिया था कैसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होती है. और हाँ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के ऑपरेशन की बात कर लेते हैं. जो ये हमारा कनेक्शन है एक मिनट मैं दिखा रही हूँ, ये रिवर्स बायस कंडीशन हो गई और ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव कनेक्ट में जुड़ा है. अच्छा, अब फायदा क्या होता है इस फॉरवर्ड बायस में डायोड को कनेक्ट करने का. तो देखिए बिल्टिंग जो आपका ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गया इसके बाद भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स बच जाते हैं, बट क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर बिल्टिंग क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स की तरफ जाके रिकम्बाइन नहीं हो पाते. तो हमने क्या, हम जो फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं उसमें हम लोग करते क्या है, उसमें करेक्ट ये करते हैं कि जब हम लोग इस तरीके से सिचुएशन इस तरीके से सेटअप क्रिएट करते हैं तो उससे ये होता है कि हमको ये चीज पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो जब हमने पॉजिटिव सप्लाई दी यानी इलेक्ट्रॉन होल्स दिए पी साइड पे
और पी साइड पे ऑलरेडी होल्स इतने ज्यादा थे, और जो नेगेटिव सप्लाई थी वो एन टाइप पे दी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप पे दिया, और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे। तो हुआ क्या कि सेम टाइप के चार्जेस पहुंचे, तो क्या हुआ, हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पी साइड के होल्स हैं, ये रिपेल होने लगे बैटरी के टर्मिनल से। जब ये रिपेल होने लगे तो जो आपका डिप्लेशन लेयर बना हुआ था, वो डिप्लेशन लेयर पे क्या करने लगे, ये फोर्स करने लगे, जिस फोर्स की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो एक्चुअल में जो हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, और जब डिक्रीज होगी यानी उसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस होगी, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी तक मूव नहीं कर पा रहे थे एन रीजन से पी रीजन की तरफ, वो अब मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन का पे कनेक्ट बैटरी कनेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि हम जो डिप्लेशन लेयर थी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं वो पी की तरफ होल्स के साथ जाके रिकम्बाइन हो जाए। तो यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो डिप्लेशन विड्थ है वो शॉर्टेन हो जाएगी, और जो इसके अक्रॉस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन था। तो किस चीज का ऑपरेशन था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल सप्लाई वी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करना शुरू करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो होल है वो कन्वर्ट होंगे नेगेटिव आयंस, और न्यूट्रल एटम्स में ये जो पूरा चीज है ये न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने लगेगी। इस क्या मतलब है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल है यहाँ पे क्या होने लगेंगे, रिकम्बाइन होने लगेंगे बहुत तेजी से, और जब ये रिकम्बाइन होने लगेंगे तो करंट का कन्वेक्शन यानी करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मेन पर्पस है डिप्लेशन विड्थ को रिड्यूस करना। ठीक है, अब ये जो डिप्लेशन रीजन है या जो डिप्लेशन विड्थ है ये जब रिड्यूस होगी तो जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस होगा, और अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो अब जब ये चीज बढ़ती जाएगी, हम वोल्टेज को प्रोवाइड करते जाएंगे, तो होगा क्या कि जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, जो मेजोरिटी करंट्स हैं दोनों साइड के, वो क्रॉस करेंगे इसकी वजह से, किसके इन्फ्लुएंस से, एक्सटर्नल बैटरी के, ऐसे एक्सटर्नल डीसी के वजह से ये क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे ये जब लार्ज नंबर में जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे तो उसकी वजह से फॉरवर्ड करंट, जिसको हमने बोला ड्रिफ्ट करंट, फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जब ड्रिफ्ट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो इस, और तो यही हमारा मेन पर्पस था, हमारा क्या है ऑन कंडीशन की तरफ बिहेव किया, तो इस ड्रिफ्ट करंट को एक्चुअली हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। देखिए ड्रिफ्ट करंट का दूसरा नाम आया, दैट इज कन्वेंशनल करंट। यहां तक मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन अप्लाई करी तो इसका डिप्लेशन विड्थ पे क्या इफेक्ट हुआ, ये मैंने बताया कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करते जाते हैं, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है वो डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब जो करंट का फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड बायस की वजह से, ठीक है, अभी कब तक होगा, क्या होगा, क्या हम बढ़ाते जाएंगे, वो मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का पी साइड की तरफ वो जो है, और होल का मूवमेंट एन साइड की तरफ, तो इससे होगा क्या कि डिप्लेशन विड्थ रिड्यूस होती जाएगी होती जाएगी। एक कंडीशन ये आएगी कि जो ये डिप्लेशन विड्थ है ये इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पी एन साइड पे थे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी थे, वो भी मूव होना शुरू जाएंगे जब हम फॉरवर्ड बायस को कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएंगे। उस कंडीशन में जो बैरियर पोटेंशियल था वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को ब्रेक करके होल्स के साथ रिकम्बाइन होने लगेंगे। इस केस में क्या होगा, ये केस में, इस केस में जो है आपका जो डायोड है वो खराब हो जाता है, इसलिए इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें बैरियर पोटेंशियल, इसमें जो है एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो करंट का कंडक्शन डिफ्यूजन की वजह से होता है, मतलब जो फॉरवर्ड करंट पीएन जंक्शन में फ्लो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू, जिसको हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट या ड्रिफ्ट करंट भी कहा, ये हमेशा फ्लो होती है एनोड से कैथोड की तरफ, और ये एक्चुअल में मिली एम्पियर के टर्म्स में होती है।
इस टर्म्स में होती है, मिली एम्पियर के टर्म्स में, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं कि अब जो ये फॉरवर्ड डायोड, जो ये डायोड है, इसमें जो फॉरवर्ड कंडीशन में इसको अप्लाई किया हमने, तो इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। जो ये फॉरवर्ड करंट है डायोड की, जिसको हम लोग ने डिनोट किया आई एफ से, ठीक है, ये क्या है, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉरवर्ड बायस डायोड विच फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, ये किसके थ्रू फ्लो हो रही है, कन्वेंशनल करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू, ठीक है। और ये किस रेंज की होती है, ये होती है मिली एम्पियर्स के रेंज की। अब इस लार्ज करंट के फ्लो होने से क्या होता है, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है डायोड में, जो बहुत स्मॉल अमाउंट का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसका जो ऑर्डर होता है रेजिस्टेंस का, ये ऑर्डर होता है कुछ ओम्स का, इसकी वैल्यू लाई करती है 10 ओम से 100 ओम के बीच, ठीक है। अब बात आती है कि हमने करंट फ्लो करा दी, फॉरवर्ड कंडीशन में कनेक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब जो ये हमने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, उस पे जो वोल्टेज फॉरवर्ड बायस डायोड जब कनेक्ट हुआ था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं Vf, Vf से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस डायोड। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाया तो जो बैरियर पोटेंशियल था वो ओवरकम होने लगा, क्योंकि हमारी जो डिप्लेशन लेयर थी वो रिड्यूस होने लगी। तो जब डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होने लगी तो उसके अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस होने लगा, तो करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो रिड्यूस पोटेंशियल रिड्यूस होने लगा कंडक्टिंग पाथ में या कंडक्टिंग बायस में, तो उससे क्या होगा, जो अपोजिट पोलैरिटीज थी बैरियर पोटेंशियल की वो भी जो है चेंज होने लगी, अपोजिट होने लगी, बट जो मैग्नीट्यूड है वो उसका बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस इक्वल होने लगा, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Vf से, और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का या क्या मटेरियल आपने यूज किया है। अगर मटेरियल यानी जो डायोड बनाया है, यानी जो बीएल जंक्शन क्रिएट किया है, अगर वो सिलिकन का है, सिलिकन मटेरियल का बनाया है, तो जो जो आपका बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। और अगर जर्मेनियम का डायोड बनाया है तो उसके जो क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप Vf होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो और जो ये वोल्टेज ड्रॉप Vf है, ये दो फैक्टर्स, ये जो होता है ये दो फैक्टर की वजह से होता है, मतलब इसका जो कारण है ड्रॉप होने का, वो उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो बैरियर पोटेंशियल होता है और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो आरएफ मैंने अभी आपको बताया वो होता है, ठीक है। दिस इज ऑल द बेसिक थिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में नेक्स्ट क्लास में आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। आप बात कर लेते हैं रिवर्स बायस कंडीशन की। तो अगर अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट किया था, मतलब हमने पी टाइप यानी पॉजिटिव रीजन को पॉजिटिव बैटरी से और नेगेटिव रीजन को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया था। अब जो दूसरी कंडीशन है बायस कंडीशन है, उसको बोलते हैं रिवर्स कंडीशन। इसमें जस्ट रिवर्स प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब डायोड के पॉजिटिव बैटरी को टर्मिनल को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके के सेटअप को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मुझे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि डिस्कस द करंट फ्लो मैकेनिज्म इन द पीएन जंक्शन अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन, या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ट्यू में, या पूछा जाएगा एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन एट रिवर्स बायस कंडीशन, यानी वर्किंग आपको बतानी है कि रिवर्स बायस में अगर आप कनेक्ट करते हो तो पहले आपको ये बताना है कि रिवर्स बायस होता क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद होगा क्या, वर्किंग क्या होगी, ये बताना होगा। या पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ डज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, अभी मैं बताऊंगी रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड वेरी विद द टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर के चेंज होने की वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है पीएन जंक्शन डायोड का वो कैसे चेंज हो गई। सबका मतलब एक ही है, सब में यही रिवर्स बायस की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो रिवर्स बायस के बारे में मैंने बताया कि अगर पी रीजन ऑफ डायोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और एन रीजन ऑफ डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस तरीके के सेटअप को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है इसको बोलते हैं रिवर्स करंट, ये डिनोट की जाती है आई एस के थ्रू, रिवर्स करंट यानी रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे रिवर्स करंट, और इसको
डिनोट करते हैं IS से, और ये जो फ्लो होती है रिवर्स करंट जो फ्लो होती है वो होती है कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, कैथोड से एनोड यानी डायोड के कैथोड से डायोड के एनोड की साइड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। जबकि जो रिवर्स करंट होती है इसकी वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही थी फॉरवर्ड कंडीशन में उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है रिवर्स करंट, ठीक है। जो रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस आता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये लिमिट रिवर्स करंट को लिमिट कर देता है। ये तो हो गया बेसिक सेटअप की बात। अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करते हैं यानी कैसे ये वर्क करता है, दैट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल। तो अगर हम डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि जो होल्स हैं पी रीजन के, क्योंकि पी रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होने लगेंगे बैटरी के, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ से कनेक्ट किया गया है पी रीजन को, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई पे अट्रैक्ट होने लगेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अपोजिट से है तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होता है, तो ये प्रोसेस होगा कि पी के मेजोरिटी चार्ज के लिए मतलब होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और एन के मेजोरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो फिर होगा क्या, उससे ये होगा कि जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो एक्चुअली क्या होने लगेगी, वो बढ़ने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस। जैसा कि आपको देखो डायग्राम में बताया गया, नॉर्मल जब बैटरी नहीं कनेक्ट की गई है तब जो विड्थ थी, और जब आपने रिवर्स कंडीशन में जब बैटरी को कनेक्ट किया, रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट किया, तो जो कंडीशन आई, जो सिचुएशन हुई वो क्या हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था यानी जो हमारी डिप्लेशन रीजन थी वो इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। जब ये इंक्रीज करने लगेगी तो इसकी, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमोबाइल आयंस जो है वो बढ़ने लगेंगे, इसके क्या होगा, जब इससे ये होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल है उसके अक्रॉस वो भी इंक्रीज करने लगेगा। देखिए जब फॉरवर्ड में हमने इसको कनेक्ट किया था तो हुआ ये था कि जो बैटरी थी वो उसकी वजह से हमारा जो बैरियर पोटेंशियल था वो रिड्यूस हो रहा था, मतलब आपका जो डिप्लेशन रीजन थी वो रिड्यूस हो रही थी, तो उसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, हमारी जो डिप्लेशन रीजन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अब जब बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होने लगेगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ने लगेगी, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वो दूसरी साइड यानी एन जो है होल की तरफ जाके रिकम्बाइन नहीं होगा, क्योंकि जा ही नहीं पाएगा, यहाँ पे सिचुएशन में जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ गई है, ठीक है, और हमारा जो विड्थ है वो काफी इंक्रीज कर गई। तो अब इस वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी करंट फ्लो इन द रिवर्स बायस डायोड, दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसकी बात अभी मैंने बोली कि हमें ये पता है कि पी रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में होते हैं और एन रीजन में होल्स हमारे स्मॉल अमाउंट में होते हैं यानी माइनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये थर्मली जनरेटेड होते हैं, तो जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं पी रीजन के वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव एंड पे और डीसी सप्लाई से, हेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से एक रिवर्स करंट IS फ्लो होना शुरू होगी। इसका जो अमाउंट है या इसका जो स्ट्रेंथ है वो माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में होगा, यानी बहुत ही लेस अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स करंट जो है इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। और इस करंट की वजह से ये जो है करंट है ये माइनॉरिटी कैरियर्स के थ्रू फ्लो होती है, यानी बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड की होती है, इसका रेंज मैंने आपको बताया माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में होता है, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में जर्मेनियम के लिए होता है और नैनो एम्पियर के टर्म्स में सिलिकन के सिलिकन डायोड के केस में होता है, ठीक है। इसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट